शेक्सपियर ने एक बार कहा था, What's in a name? ये अलग बात है कि इस लाइन के नीचे उन्होंने अपना खुद का नाम भी लिख दिया था। शायद उनको डर था कि इनका नाम नहीं लिखते तो शायद इसका क्रेडिट भी नेहरू जी ले लेते। तो आपने शायद अभी तक सुन लिया होगा कि योगी गवर्नमेंट ने कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, जिसमें कांवड़ यात्रा के आसपास के जो ढाबे हैं उन सबको अपना असली नाम ढाबे पर लिखना है। After food stalls, other shops in Uttar Pradesh change names. Shopkeepers allege police asked them to do so. और इसके बाद ऑब्वियसली न्यूक्लियर लेवल के मेल्टडाउन फिर से शुरू हो गए। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। और जो देश में माहौल है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो माहौल है उसका नतीजा है कि इनको अपने ढाबे का नाम तक बदल देना पड़ा। तो आज हम ना सिर्फ इन न्यूक्लियर मेल्टडाउन्स को देखेंगे और एंजॉय करेंगे, लेकिन आपको हम अगले 5 सालों में देश में कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट और मीडिया हाउसेस हैं जो एक बहुत ही डेंजरस स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे हैं। इस स्ट्रेटेजी को हम कहेंगे प्लान टुकड़े टुकड़े 2029, जिसका खुलासा एक्चुअली इन लोगों ने ओपनली किया है। इन रेजिस्टेंस मूवमेंट्स जस्ट वॉच द स्ट्रीट्स केयरफुली। Republics are saved never inside parliaments. Republics are always saved on the street. तो आज बात करेंगे क्या है ये स्ट्रेटेजी, क्यों है ये डेंजरस, क्या है इनके मंसूबे और क्यों इनसे इमीडिएटली और स्ट्रॉन्गली निपटना जरूरी है। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और हमारी सेक्युलर आर्मी को एक सेकंड। तो देखिए, सावन आ चुका है। नहीं, ये वाला सावन नहीं, सावन का महीना। श्रवण मास बेसिकली 28 दिन का होता है। इस बार सावन का महीना 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक है। तो बेसिकली इस श्रावण मास में शिव भक्त, नहीं ये वाले नहीं, असली वाले, अपने घर से कांवड़ में गंगा जल भरकर शिव मंदिर तक ले जाते हैं और शिव जी पर चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा कोई एक तरह की नहीं होती, इसको कई अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक होता है बोल बम कांवड़। इसमें लोग बिना जूते चप्पल के यात्रा करते हैं, थकने पर आराम के लिए बैठ सकते हैं, कांवड़ जमीन पे नहीं छूना चाहिए इसलिए स्टैंड पर रखते हैं। खड़ी कांवड़, इस यात्रा में लोग खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। इसमें कांवड़िया के साथ एक सहयोगी भी चलता है। आराम के वक्त सहयोगी अपने कंधे पर उनकी कांवड़ रखता है। सहयोगी को कांवड़ लगातार हिलाते डुलाते रखना होता है। फिर आता है झूला कांवड़। बांस के झूले की आकार की कांवड़ बनाई जाती है और दोनों तरफ गंगा जल से भरे कलश बराबर से लटके होते हैं। फिर आता है डाक कांवड़। इसमें कांवड़िया कहीं नहीं रुकते, 24 घंटे के अंदर जलाभिषेक करते हैं। डाक बम कांवड़ियों के कपड़ों का रंग सफेद होता है। और फिर आता है दंडवत कांवड़। ये सबसे कठिन कांवड़ माना जाता है। भक्त नदी तट से शिव मंदिर तक दंडवत होकर यात्रा करते हैं, अपने शरीर की लंबाई के बराबर लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। इस यात्रा में 15 से 25 दिन तक लग जाते हैं। और कांवड़ यात्रा की बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि इस यात्रा में कांवड़ यात्री सिर्फ सात्विक खाना खाते हैं। सात्विक खाना क्या होता है? देखिए, सात्विक एक संस्कृत शब्द सत्व से डिराइव होता है, जिसका मतलब है द क्वालिटी ऑफ गुडनेस, प्योरिटी, पॉजिटिविटी, सच्चाई, सेरेनिटी, बैलेंस, पीसफुलनेस और वर्चुअसनेस। ये सारे गुण जो आपको धर्म के और करीब ले जाते हैं। तो इस डाइट में आप फ्रेश, सीजनल और नेचुरल फूड्स को एम्फसाइज करते हैं जो लाइट हो और इजी टू डाइजेस्ट हो, जैसे होल ग्रेन्स, राइस, व्हीट और मिलेट्स, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, प्रेफरेबली सीजनल और लोकली सोर्स्ड, पल्सेस और लेग्यूम्स जैसे लेंटल्स, बीन्स और पीज, नट्स और सीड्स जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स और सनफ्लावर सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, घी और बटर मिल्क, नेचुरल स्वीटनर्स जैसे हनी और गुड़। तो कांवड़ियों की सात्विक खाने की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लास्ट वीक योगी गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स निकाले कि कांवड़ यात्रा की रूट पर सभी शॉप ओनर्स अपना असली नाम लिखें, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। ये इसलिए किया गया ताकि कांवड़ियों को ये पता रहे कि कहां पर उनको रिलायबली सात्विक भोजन उपलब्ध हो सकता है। अब देखिए, जैसे रात के बाद सुबह होनी ही है, अर्जुन कपूर की पिक्चर फ्लॉप होनी ही है, वैसे ही योगी के किसी भी डिसीजन के बाद न्यूक्लियर लेवल के मेल्टडाउन्स होने ही हैं। तो आइए जरा साथ में मिलके इन मेल्टडाउन्स को भी देखते हैं। कुछ लोगों के तो प्राण निकले जा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। धर्म आधारित राजनीति ने और जो देश में माहौल है और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो माहौल है उसका नतीजा है कि इनको
अपने ढाबे का नाम तक बदल देना पड़ा। आप मोहम्मद आसिफ तो डायरेक्टली धमकी देने लगे कि भाई करोड़ों हिंदू इस्लामिक देश में रहते हैं, वहां भी अगर मुसलमान ऐसा करने लगे तो। करने लगे क्या भैया, कर ही रहे हैं। रोज दंगों में और ब्लास्फेमी वायलेंस में बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदू और उनके मंदिर शिकार बन रहे हैं। अफगानिस्तान में बेचारे जो 4-5 सिख बचे थे उनको भी आईसिस और तालिबान ने निपटा ही दिया। उनको इंडियन गवर्नमेंट बचा के किसी तरह से भारत लाई है और यहाँ पर उनके कुछ रिश्तेदार हैं जो गुरुद्वारे में नमाज पढ़वा रहे हैं और 80 हिंदुओं को बचाया सी के ख्याली पुलाव खा रहे हैं। हाइपोथेटिकल बचा क्या इसमें आसिफ भाई। फिर आते हैं एक ऐसे शख्स पे जिन्होंने एक नई फिटनेस की डाइट ईजाद की है बॉडी बनाने के लिए। इनका मानना है कि डेली 2 बार थूक चाटने से आप इनके जैसी बॉडी बना सकते हैं। इनका नाम है सोनू सूद साहब। इन्होंने कहा कि जब श्री राम शबरी के झूठे बेर खा सकते हैं तो हम मुसलमानों द्वारा थूके हुए भोजन क्यों नहीं खा सकते। सबसे पहले तो भाई ने मुसलमानों को ही रोस्ट कर दिया कि वो खाने में थूकते हैं। और अगर इतना ही लोगों को एडजस्ट करने का ज्ञान देना चाहते हैं सोनू सूद जी, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा ही है तो मुस्लिम्स रमजान के महीने में झटका मीट क्यों नहीं खाते आराम से। अगर उनके लिए हिंदुओं और सिखों ने बड़े प्यार से झटके मीट का कुछ खाना बनाया हो तो रमजान के महीने में क्यों नहीं खाना चाहिए उनको। और अगर हिंदुओं ने मान लो रमजान के महीने में सुबह सुबह उनके मुस्लिम भाइयों के लिए आलू के पराठे, छोले, बढ़िया दाल, लस्सी बनाई हो तो मुसलमानों को अपना रोजा तोड़ के वो खा लेना चाहिए ना। इसमें क्या गलत बात है। और इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों को कि आपको भाई बादाम खाने चाहिए, खासकर अखिलेश जी को बादाम खाने की जरूरत है, क्योंकि ये ऑर्डर 2006 में उनके ही अब्बू जान ने पास किया था यूपी में। बीजेपी तो बस इंप्लीमेंट कर रही है। ये तो वही बात हो गई कि घर में छोरा और शहर में ढिंढोरा। आप अजीत अंजुम दी को देख लीजिए, उनके चैनल पे 10 थंबनेल इसी टॉपिक पे बने हुए हैं। आरफा दीदी भी जुड़ गई, वो कहती है कि ये ऑर्डर खुल्लम खुल्ला भेदभाव है। रवीश कुमार जी कहते हैं कि ये बहुत शर्मनाक बात है। आरिफ को अपने ही नाम को चाकू से हटाते देख समझ सकते हैं। सलमान ने भी जब अपने ठेले से सलमान फल वाला हटाया होगा, उसका भरोसा बढ़ा होगा कि संविधान उसका संरक्षक है। देखिए रवीश जी की पर्सनल लाइफ की फिलॉसफी है तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी। अगर मुस्लिम्स हलाल के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के हाथों के बना हुआ हलाल मीट डिमांड करे तो कोई बात नहीं। अगर हिंदू कावड़िया श्रावण मास में हिंदू के हाथों बना हुआ सात्विक भोजन डिमांड करे तो भैया इंडिया की डेमोक्रेसी का वही हाल हो जाता है जो आदि पुरुष के बॉक्स ऑफिस का हुआ। फिर अभिसार शर्मा भी कूद पड़े। मगर आज मानो ठेंगा दिखाने के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक नया फरमान जारी करते हैं। अभिसार जी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का तुगलकी फरमान है। तो ये क्या एक मुस्लिम राजा को टायरेंट और डिक्टेटर और रिलीजियस बिगट बुला रहे हैं। तुगलक भी सोच रहा होगा यार कि भाई ये लोग औरंगजेब और टीपू सुल्तान को हमेशा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की तरह दिखाते रहते हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है कि मुझे डिक्टेटर बना दिया। ऐसा भी क्या उस लौंडे में जो मुझ में नहीं है। और देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एक ग्रुप है लोगों का, ये कितना एक्टिव है इंडिया को अगले 5 सालों में डिस्टेबलाइज करने के लिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को भड़काने के लिए। योगेंद्र यादव के मुंह से आप खुद सुन लीजिए। जस्ट वॉच द स्ट्रीट्स केयरफुली। इफ डेमोक्रेसी, यू नो, रिपब्लिक्स आर सेव्ड नेवर इनसाइड पार्लियामेंट्स, रिपब्लिक्स आर ऑलवेज सेव्ड ऑन द स्ट्रीट। More breaking news coming in. After food stalls, other shops in Uttar Pradesh change names. Shopkeepers allege police asked them to do so. तो देखिए मैं आपको अब बताता हूँ कि योगी गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। आपकी स्क्रीन पर चल रही है ये आस्था है, ये कोई थूक नहीं रहा है चमचों पे, ये बर्तनों को कोई थूक नहीं रहा है। अरे आपकी आस्था के चक्कर में मैं तो खुद कर रहा हूँ। जो अभी प्रोफेसर ये मान गए, ये मान गए, मान गए, मान गए, मान गए, बहुत अच्छी है ये मानना। शादी आपका भी एक रेस्टोरेंट है ऐसा, आपका भी एक ऐसा ढाबा चल रहा है जिसमें आप खुद खिलाते आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये कोई नया रूल नहीं है, इसको 2006 में ही लाया गया था, जिसके बाद 2011 में सोनिया गांधी की गवर्नमेंट, आई मीन मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करवाया था। मुझे क्यों तोड़ा? उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि सभी रेस्टोरेंट्स और ढाबा ओनर्स को अपना नाम और लाइसेंस नंबर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। तो काम करवाया मुलायम यादव ने और मनमोहन सिंह ने। कम्युनल कौन है? मोदी, मोदी, मोदी। लेकिन देखिए ऑन अ सीरियस नोट, अब भाई देखिए कुछ गवर्नमेंट के सपोर्टर्स का कहना है कि भाई कुछ वीडियोस पिछले कुछ सालों में वायरल हुए हैं जिसमें मुस्लिम शॉपकीपर्स हैं जो खाने में थूक रहे हैं या नॉन क्लीन तरीके से खाने को प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ ऐसे न्यूज भी आए थे जिसमें कि समोसे में गाय का मांस भर के बेचा जा रहा है। तो पहला कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इन चीजों को अवॉइड करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द यूपी गवर्नमेंट वो कम्युनल फ्रिक्शन अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वेस्टर्न यूपी का बेल्ट है और कुछ उत्तराखंड के हिस्से हैं जहां पर कावड़ यात्रा जाती है, वो एक सेंसिटिव एरिया है क्योंकि
वहाँ मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बड़ी है। पास्ट कावड़ यात्राओं में कुछ कम्युनल बड़ी टेंशन नहीं हुई है, लेकिन ये रीजन फिर भी सेंसिटिव है। आपको याद होगा कि 2013 में यहाँ पर कितने बड़े हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तो कोई छोटे मोटे इंसिडेंट से फिर से दंगा नहीं हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए क्लियरली इन रेस्टोरेंट्स का, इन ढाबों का नाम दिखाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा रीजन है कि भाई जो सात्विक खाना है वो कावड़ियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो कावड़ हैं, खासकर श्रावण के महीने में जब वो अपनी कावड़ यात्रा करते हैं, उस समय पर उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बिल्कुल फ्रेश और सात्विक खाना खाएं। इसके लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो खाना कैसे प्रिपेयर किया गया है और कहां प्रिपेयर हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये बातें मुस्लिम्स के लिए भी रमजान के महीने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कावड़ है जो सात्विक खाना खाना चाहते हैं, वो शायद ऐसे ढाबे में नहीं खाना चाहते हो जहां पर उन्हीं बर्तन में उनका खाना बन रहा है और मीट बन रहा है और खूब तेल मसाले के साथ भी खाना बन रहा है। तो अगर हम मुस्लिम्स के हलाल बिलीव्स को रिस्पेक्ट करने को तैयार है, तो जो लोग सात्विक खाना खाना चाहते हैं उनकी बिलीव्स को हम क्यों नहीं रिस्पेक्ट करना चाहते? कावड़ सात्विक खाना क्यों नहीं खा सकते? उसके ऊपर से कोई ऐसे स्टैट्यूटरी मेजर्स तो नहीं है या सर्टिफिकेशन बॉडीज तो नहीं है सात्विक के लिए? अब भाई हलाल के तो सर्टिफिकेशन होते हैं जिससे गारंटी हो जाता है कि भाई ये जो खाना आप खा रहे हो ये 100% हलाल है। तो कोई सात्विक फूड सर्टिफिकेशन बॉडी तो है नहीं, और हो सकता है कि इसलिए योगी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है ताकि लोगों को एग्जैक्टली पता हो कि उनका खाना कहां से आ रहा है और कैसे प्रिपेयर हो रहा है। तीसरी बात यह है कि ये जो डायरेक्टिव दिया है योगी गवर्नमेंट ने, ये किसी एक रिलीजन पर अप्लाई नहीं होता, ये सभी हिंदू ढाबे हो या मुस्लिम ढाबे हो, सब पर अप्लाई होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बेसिकली मुस्लिम्स का इकोनॉमिक बॉयकॉट हो गया, और ये बात बिल्कुल भी फेयर नहीं है क्योंकि मुस्लिम्स का बॉयकॉट नहीं हो रहा है। कई सालों से ऑलरेडी हिंदूज का बॉयकॉट हो रहा है, खासकर शेड्यूल कास्ट हिंदूज का बॉयकॉट हो रहा है, उसके बारे में किसी को चिंता नहीं है। मैं आपको हलाल इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ। कोई भी मीट प्रोडक्ट अगर हलाल होना है तो उसके लिए उस जानवर को सिर्फ एक मुस्लिम ही बुचर कर सकता है, और इसलिए जो मीट इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर वो कॉस्ट बचाना चाहती हैं या इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना चाहती हैं, तो रादर देन कि वो भाई अलग से हलाल मीट बनाए और अलग से नॉन हलाल मीट बनाए, वो अपने सारा का सारा मीट हलाल ही बनाते हैं, और इसलिए मीट इंडस्ट्री में ज्यादातर मुस्लिम्स को नौकरियां देते हैं। और उसका रिजल्ट ये होता है कि खास कुछ ऐसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज जो ट्रेडिशनली कसाई कम्युनिटीज रही हैं, जिनका कसाई का काम रहा है, उनकी इस मीट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? उसके ऊपर से आजकल हलाल सर्टिफिकेशन नॉन मीट प्रोडक्ट्स के लिए भी शुरू हो गया, ये बढ़िया है। आजकल वेजिटेरियन खाना भी हलाल है, दूध भी हलाल है, कल को क्या भैया रेलवे स्टेशन हलाल है, बस हलाल है, कपड़े हलाल है, कॉन्डम हलाल है। कंट्रोल। और जो जो चीजें हलाल होती जा रही हैं, उसके लिए अलग अलग हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं इंडिया में जो पैसे चार्ज करती है हलाल सर्टिफिकेशन का। तो ये जो अलग अलग चीजें हलाल हो रही हैं, उससे एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हो गई है जिससे ये जो हलाल बॉडीज हैं, ये करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इनमें से एक हलाल ऑर्गेनाइजेशन का आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे जमीयत उलमाए हिंद, ये इंडिया की ओल्डेस्ट हलाल सर्टिफाइंग बॉडी है। इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने टेरर अक्यूज लोगों को लीगल फीस प्रोवाइड की। कमलेश तिवारी का जो मर्डर केस हुआ था, उसमें भी इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अक्यूज्ड को लीगल फीस प्रोवाइड की थी। ऑप इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें दिखाया गया था कि 2007 से जमीयत उलमाए हिंद ने 700 टेरर अक्यूज्ड इंडिविजुअल्स को लीगल सपोर्ट प्रोवाइड किया है। इसमें 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 2006 मालेगांव ब्लास्ट, औरंगाबाद आर्म्स केस और 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स के अक्यूज भी शामिल है। तो बेसिकली इनोसेंट इंडियंस जो खुद आतंकवाद का शिकार है, वो आतंकवाद की लीगल फीस को फंड कर रहे हैं, बेसिकली अपनी ही मरवाने के लिए पैसे दे रहे हैं। इससे अच्छा तो भैया जीबी रोडी चले जाओ, शायद कुछ एंजॉयमेंट भी हो जाएगा, और जब वहां जाओगे तो लगे हाथों जरा रवीश कुमार जी को हेलो भी बोलाना। और इससे एक और बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है देश की, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उनको जबरदस्ती इन हलाल गाइडलाइंस की वजह से, हलाल इंडस्ट्री की वजह से हलाल मीट खाना पड़ रहा है जो उनके रिलीजियस नॉर्म्स के खिलाफ जाता है। उनके ऊपर बेसिकली हलाल मीट और हलाल प्रोडक्ट्स फोर्स किए जा रहे हैं, ये होता है डिस्क्रिमिनेशन भैया। जम्मू कश्मीर में जो 70 साल से शेड्यूल कास्ट वाल्मीकि कम्युनिटी को उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन। ये एक नंबर की हिपोक्रेसी है। ये सब देख के ना उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की याद आती है जो आरए फॉरेस्ट को बचाने के लिए प्लैकार्ड लेके एनवायरनमेंट को बचाने का ढोंग करने के लिए आते हैं, लेकिन आते हैं ऐसी गाड़ी में जो 2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है और एक दिन में इतना फॉसिल फ्यूल खाती है जिससे आप एक महीने के लिए एक गरीब गांव में लाइट जला सकते हो। उसके ऊपर से आप देख लीजिए कि योगी गवर्नमेंट जो है वो कम्युनल टेंशन को
कम करने के लिए क्या क्या कोशिश कर रही है। उन्होंने गाइडलाइंस दिए हैं कि 22 जुलाई से कावड़िया जो हैं वो स्पीयर्स नहीं कैरी कर सकते, ट्राइडेंट नहीं कैरी कर सकते, कोई भी वेपन नहीं कैरी कर सकते। सारे डेवोटीज की मॉनिटरिंग करेगी पुलिस और जो डीजे गाना बजाते हैं उस पे भी साउंड लिमिट्स डाले जाएंगे। तो क्लियरली ये जो रूल्स हैं ये सिर्फ मुस्लिम्स पर नहीं लगाए गए हैं, हिंदुओं पर भी लगाए गए हैं ताकि कोई भी कम्युनल टेंशन या इंसिडेंट ना हो। उसके ऊपर से आप देख लीजिए कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो ढाबा ओनर्स हैं ये हमारे भगवानों के नाम पर ढाबे का नाम रखते हैं। यूपी उत्तराखंड में इस समय कई दुकानें और ढाबे ऐसे हैं जिनके मालिक मुसलमान हैं लेकिन उनकी दुकानों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर। तो एक तरफ तो ये मूर्ति पूजा को हराम मानते हैं, मूर्ति पूजा को अटैक करते हैं, हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, ऊपर से जिन भगवानों की मूर्ति बन रही है उन्हीं भगवानों के नाम पर अपने दुकानों का नाम रखा हुआ है। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। और ऐसे कई होटल्स हैं जिनके हिंदू नाम रखे गए हैं बट मुस्लिम्स ऑपरेट करते हैं लेकिन वहाँ पर अलेजेडली हिंदुओं को नौकरी नहीं देते हैं। 1500 से ज्यादा ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं अपेरेंटली। और देखिए ये जो भारत को डिस्टेबलाइज करने की मैंने आपसे इनिशियली बात की थी उसमें आप देखिए किस किस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे ही योगी गवर्नमेंट ने ये रूल लाया है सारे क्रूसेडर्स ऑफ सेक्युलरिज्म सुपरमैन बन के आ गए हैं। इनमें कैसे कैसे लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की है योगी के इस डायरेक्टिव के खिलाफ। महुआ मोइत्रा, राजदीप सरदेसाई, अपूर्वानंद जो एक हार्डकोर कम्युनिस्ट है जो एंटी हिंदू दिल्ली राइट्स में एक अक्यूज भी है। फिर एक और इस्लामिस्ट NGO है एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। इसमें मलिक मुतासिम खान जो जमात इस्लामी हिंद के सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर है। फिर नदीम खान हु इज द नेशनल सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। इनके कनेक्शंस काफी दूर दूर तक है, चाहे वो उमर खालिद हो, कपिल सिब्बल हो या प्रकाश राज हो। नदीम खान योगेंद्र यादव और अरुंधति रॉय जैसे लोगों के साथ काफी क्लोजली काम करता है। एक और पिटिशनर है आकार पटेल जिसने राइट अक्यूज्ड उमर खालिद को सपोर्ट किया था, जिसने आर्टिकल 370 एब्रोगेशन और CAA को भी अपोज किया था। 2012 में आकार पटेल ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उसने पाकिस्तान के इस्लामिस्ट मिलिट्री डिक्टेटर जियाउल हक की तारीफ की थी। ये लोग डेमोक्रेसी के रखवाले, ये लोग उन एंटी वैक्सर्स की तरह है जो वैक्सीन पर और मेडिकल रिसर्च पर हमेशा डाउट खड़ा करते रहते हैं कि भैया ये सब तो फेक है, लेकिन सालों को एक छींक भी आ जाए ना तो तुरंत डॉक्टर के सामने टांग फैला के लेट जाते हैं। तो ये एंटी इंडिया नेक्सस देखिए एक्टिवेट हो चुका है। ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसको योगेंद्र यादव ने बयान किया था। इन रेजिस्टेंस मूवमेंट्स जस्ट वॉच द स्ट्रीट्स केयरफुली। इफ डेमोक्रेसी, इफ यू नो, रिपब्लिक्स आर सेव्ड नेवर इनसाइड पार्लियामेंट्स, रिपब्लिक्स आर ऑलवेज सेव्ड ऑन द स्ट्रीट। इसके बारे में हम थोड़ी देर में और डिटेल में बात करते हैं लेकिन उसके पहले हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत योगी के इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट भी ना विक्की डोनर की तरह एक कंफ्यूज पर्व है। आप याद कीजिए कि कैसे यही सुप्रीम कोर्ट ने हलाल पर रोक लगाने से मना कर दिया था, पर जब कावड़िया सात्विक खाना डिमांड कर रहे हैं तो ये नहीं चलेगा भैया। याद करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हम दो हमारे 12 के रिलीज पर तुरंत रोक लगा दी थी जो फिल्म इस्लाम की कुछ एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस पर कमेंट करता है। लेकिन याद कीजिए ये वही सुप्रीम कोर्ट है कि जब PK पर बैन लगाने की बात हो रही थी क्योंकि इसमें एंटी हिंदू सीन्स हैं तो उन्होंने कहा था कि भाई नहीं अच्छी लगती है तो मत देखो। इसके अलावा याद कीजिए कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिनको दिवाली के समय पर पोल्यूशन की बहुत फिक्र होने लगती है लेकिन क्रिसमस या न्यू ईयर पे जब पटाखे फूटते हैं तो उनसे तो भैया सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी ऑक्सीजन निकलता है। सेम सुप्रीम कोर्ट है जिसने सबरीमाला ट्रेडिशन को इलीगल और एंटी वुमन कहा था, पर वही सुप्रीम कोर्ट के लिए हिजाब ट्रेडिशन काफी लीगल है और औरतों को फ्रीडम देता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और जैसा रिलेशनशिप सुप्रीम कोर्ट का कंसिस्टेंसी के साथ है वैसा ही हमारे देश के आंदोलन जीवियों का सुप्रीम कोर्ट के साथ है, काफी टॉक्सिक रिलेशनशिप है। याद करिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला पर रूलिंग दी थी तो आंदोलन जीवियों को सुप्रीम कोर्ट से प्यार हो गया था, बट जब उन्होंने राम मंदिर का वर्डिक्ट दिया था तो नफरत हो गई थी। शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट। जब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिरों को सरकार से आजाद करने की PIL को सुनने से भी रिफ्यूज कर दिया था तो शी लव्स मी, पर जब यही सुप्रीम कोर्ट मस्जिदों में लाउडस्पीकर बैन करने की बात करती है तो शी लव्स मी नॉट। सुप्रीम कोर्ट जब कश्मीरी हिंदुओं की जेनोसाइड की केस सुनने को डिक्लाइन करता है तो शी लव्स मी, पर जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया तो शी लव्स मी नॉट। तो देखिए मुस्लिम्स के पास हलाल सर्टिफिकेशन है, हिंदुओं के पास इस समय पर सात्विक सर्टिफिकेशन नहीं है।
या झटका सर्टिफिकेशन नहीं है और इसलिए कावड़ियों को सात्विक खाना ढूंढने में परेशानी नहीं हो, मुश्किल नहीं हो और इस वजह से कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं हो उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जहां पर दंगे की बहुत लंबी हिस्ट्री रही है, इसलिए ये स्टेप लिया गया है। और इस तरह की प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए हो सकता है मोदी गवर्नमेंट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनको एक सात्विक सर्टिफिकेशन बोर्ड या एक झटका सर्टिफिकेशन बोर्ड क्रिएट करना चाहिए जिस तरह से एक हलाल सर्टिफिकेशन बोर्ड है, या फिर अगर वो क्रिएट नहीं भी करना चाहते तो कम से कम जो ऑलरेडी झटका सर्टिफिकेशन बोर्ड क्रिएट हो रखा है उसको एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दें। जिस तरह से हलाल इकोनॉमी का एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर उसको हराना है तो उसके ऑपोजिशन में आपको एक सात्विक सर्टिफिकेशन बोर्ड या एक झटका सर्टिफिकेशन बोर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो शायद ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है कि इस तरह के एड हॉक या टेम्पररी मेजर्स लेने के बजाय एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। और देखिए अल्टीमेटली ये इशू वेरी क्लियरली डिस्क्रिमिनेशन का नहीं है, मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है, ये सिर्फ हलाल की तरह एक कम्युनिटी के रिलीजियस डायटरी प्रेफरेंसेस को रिस्पेक्ट करने का है, जिस तरह से लोग मुस्लिम्स के हलाल और ज्यूइश के कोशर डायटरी रिस्ट्रिक्शंस को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इशू है और वो इशू है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने का। भारत के कुछ लोगों ने 2024 इलेक्शंस के बाद प्रोजेक्ट टुकड़े टुकड़े 2029 शुरू कर दिया है और प्रोजेक्ट टुकड़े टुकड़े 2029 का ये पहला स्टेप है। ये इशू है लोगों को भड़काकर सड़कों पर उतारने का, मुस्लिम्स को भड़काकर उनकी स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट को कमजोर करने का और भारत को डिस्टेबलाइज करने का। योगेंद्र यादव जैसे एक्टिविस्ट 2024 से 2029 में पूरी तरह से भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले हैं। ऑलरेडी आप देखिए कि फार्मर्स ने अनाउंस कर दिया है कि वो फिर से अगस्त में नेशन वाइड प्रोटेस्ट निकालने वाले हैं। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है और इस बार किसान नए आपराधिक कानूनों को लेकर के हल्ला बोल करने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने 15 अगस्त को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। साला जैसे कोई रॉक बैंड हो जो हर साल टूर करता है देश का। गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रॉन्गली इन लोगों को अपोज करने की जरूरत है। इंडियन गवर्नमेंट को बांग्लादेश की शेख हसीना से कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से एक्सट्रीमिस्ट से डील किया जाता है और किसी भी प्रोजेक्ट टुकड़े टुकड़े 2029 के अटेम्प्ट को पूरे फोर्स ऑफ द लॉ से क्रश करना जरूरी है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ये अगले 5 सालों तक बहुत गंद मचाने वाले हैं और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस गंद को शुरू होने से पहले ही क्रश किया जाए, खत्म किया जाए, वरना हालात बद से बदतर होते रहेंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि ये जो डायरेक्टिव पास किया है योगी गवर्नमेंट ने ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, मुस्लिम्स को अटैक करने की कोशिश की जा रही है? और क्या इंडियन गवर्नमेंट को एक सात्विक सर्टिफिकेशन बोर्ड क्रिएट करने की जरूरत है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमें पेट्रियन पर सपोर्ट नहीं किया है तो जरूर सपोर्ट करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर और चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर की तरफ से आपको एक सेक्रेटरी।